इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ स्वर लोप करने के नियम के बारे में कि ये जो शब्द हैं इनमें मात्राओं का यूज़ नहीं किया जाएगा। पहला जो शब्द है उसमें मात्रा यदि आती है तो उसकी जगह पे स्थान का यूज़ किया जाएगा। यानी कि पहला जो शब्द है या बड़े आ से बनने वाला जो शब्द है यानी कि इसमें बड़े आ की मात्रा लगती है वह शब्द लाइन से ऊपर बनेगा। ए और ओ की जो मात्रा है उनसे बनने वाले शब्द लाइन पे बनेंगे। ऊ या ई की मात्रा से जो बनने वाले शब्द हैं वह लाइन काट करके बनेंगे। यदि आप लोग अपनी स्पीड को लेकर के किसी कारणवश परेशान हैं, आपकी स्पीड नहीं बन पा रही है, शॉर्टहैंड अभी सीखना चाह रहे हैं, चाहे आप स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहे हों या रिपोर्टर की, तो हमारे यहाँ सभी के लिए ऑनलाइन क्लासों की व्यवस्था है। ऑनलाइन क्लासेस सुबह शाम दोनों समय चलती हैं। मेरे द्वारा तैयार की गई एडवांस आउटलाइन की बुकों को परचेज कर सकते हैं। बुकों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। रामधारी गुप्ता फर्स्ट सेकंड खंड को लिखने में यदि आपको कहीं कोई परेशानी आती है तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मैंने आउटलाइनें स्वयं तैयार की हैं, उनको आप परचेज कर सकते हैं। इन सभी के लिए आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके मुझसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि किस प्रकार से आपको ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करनी है और कैसे आपको बुकों को परचेज करना है। यहाँ पे ये सबसे पहला जो शब्द है वह है यदि दाम। ये शब्द चिन्ह है तो शब्द चिन्हों को हम जैसा बनते हैं वैसे ही बनाएंगे। इस तरह से बनेगा यदि और दाम, ये लाइन से ऊपर बनेंगे शब्द, दोनों का एक ही मतलब है। यदि यदि भी आए या दाम भी आए तो इसी तरह से ये शब्द बनेगा, शब्द चिन्ह है हमारा। दूसरा है दे देना देता, इनको लाइन पे बनाएंगे इस प्रकार से दे देना देता। आगे है दिन दी दिया, ये लाइन काट के बनेंगे, चाहे दिन हो या दिया, तीनों ही प्रकार के जो शब्द हैं वह इसी प्रकार से लाइन काट के बनेंगे। आगे है पार, पा और पार शब्द को लाइन से ऊपर बनाएंगे क्योंकि ये आ से बनने वाला शब्द है, आ की मात्रा से बनने वाला शब्द है तो इसको लाइन से ऊपर बनाएंगे पा र। पोर ये ओ से बनने वाला शब्द है, इसकी जो स्टार्टिंग हो रही है ओ मात्रा से हो रही है, इस वजह से इसको लाइन पे लेंगे पोर, मात्राओं का यूज नहीं करेंगे सिर्फ स्थानों का यूज करेंगे। पीड़ ऐसे बनाएंगे लाइन काट के पी और ड, ये बड़ी की मात्रा से बनने वाला शब्द है तो इसको लाइन काट करके बनाएंगे। इसके बाद में है आगे शब्द टाल, ऐसे बनाएंगे टाल, लाइन से ऊपर बनेगा, आ की मात्रा लग रही है इसमें। टोल इसको लाइन पर बनाएंगे इस प्रकार से टोल। टूल ये लाइन काट के बनेगा टूल इस प्रकार से। इसके बाद में है माल, ये भी लाइन से ऊपर बनेगा माल। मोल ओ की मात्रा से बनने वाला शब्द है, ये लाइन पे बनेगा। मील इसमें ई की मात्रा का यूज किया गया है तो ये लाइन काट करके बनेगा नीचे से ऊपर की तरफ। आगे है पाल, पाल लाइन से ऊपर बनेगा ये शब्द, आ की मात्रा से बनने वाला शब्द है। पोलो, पो लो ला लो, जो नियम लागू होगा सिर्फ पहले वाला जो शब्द है उसी में अगर कोई मात्रा लग रही है तो उसी के अनुसार इस शब्द का प्रयोग करते हैं। दूसरे वाले शब्द में यदि मात्रा लगती है तो उसमें मात्रा लगानी ही हमें पड़ेगी, तभी हम शब्द को पहचान पाएंगे। इसके बाद में है पीला, पी लाइन काट के बनेगा, ला ला की मात्रा लगाएंगे पहले स्थान पे डैश के रूप में पीला। आगे है राठा, लाइन से ऊपर बनाएंगे रा और ये ठा, ठा की मात्रा पहले स्थान पे लगाएंगे डैश के रूप में। रोठा रो बनाएंगे और ये ठा, ठा की मात्रा पहले स्थान पे लगाएंगे डैश के रूप में रोठा। आगे है रीठा, इसको लाइन काट के बनाएंगे इस प्रकार से री और ये ठा, ठा की मात्रा पहले स्थान पर लगाएंगे, ये हो गया रीठा। अब आगे शब्द है कीला, इसको लाइन काट के बनाएंगे की ला, ला की मात्रा पहले स्थान पर डैश के रूप में, ये हो गया कीला। बाला, बा को गहरा बनाएंगे ऐसे और ला, लाइन से ऊपर बनेगा बाला इस प्रकार से। इसके बाद में है बोलो, ओ की मात्रा से बनने वाला शब्द है, लाइन को टच करेगा और इसके बाद में ला,
लो की मात्रा यहां दूसरे स्थान पे आएगी डैश के रूप में। बोलो आगे है चेला, तो चा बनाएंगे ऐसे लाइन को टच करते हुए, और ला, ला की मात्रा पहले स्थान पे लगाएंगे डैश के रूप में। चेला, चील, ऐसे बनाएंगे चील, ये लाइन काट के बनेगा। इसके बाद में है मामा, इसको लाइन से ऊपर माँ से बनने वाला शब्द है, आ की मात्रा लगी हुई है। माँ की मात्रा यहाँ पहले स्थान पर लगाएंगे डैश के रूप में। मामा, मेम, इसको लाइन पे बनाएंगे मे। आगे शब्द है का, इसको लाइन से ऊपर बनाएंगे, पहले एक का बनाएंगे फिर दूसरा का बनाएंगे। ये यहाँ तक का है, इसके बाद में दूसरा का है, तो यहाँ पे मात्रा लगा देंगे पहले स्थान पर डैश के रूप में काका। आगे है काकी, लाइन से ऊपर बनाएंगे का की, क के की, ये तीसरे स्थान पे मात्रा लगेगी पॉइंट के रूप में काकी। इसके बाद है बातचीत, ऐसे बनाएंगे बातचीत, इस तरह से बनाएंगे। ये बात के लिए हो गया शब्द चिन्ह, लाइन से ऊपर बनेगा और चीत। इसके बाद में है बहुत दिन, बहुत का शब्द चिन्ह होता है लाइन काट के बनाते हैं, और ये दिन का शब्द चिन्ह है, ये हो गया बहुत दिन। आगे शब्द है माला, इसको भी लाइन से ऊपर बनाएंगे, आ की मात्रा लगी हुई है पहले वाले शब्द में, और ला, ला की मात्रा लगाएंगे पहले स्थान पर डैश के रूप में माला। आगे है काल, का को लाइन से ऊपर बनाएंगे और ला बनाएंगे, ये हो गया काल। केला, ऐसे बनाएंगे लाइन पर ला, केला। लास्ट में है कील, तो कील को लाइन काट के बनाएंगे नीचे से ऊपर की तरफ ऐसे कील। तो इस वीडियो में मैंने आपको अभी स्वर लोप करने वाले नियमों के बारे में बताया है कि कौन सा शब्द लाइन से ऊपर बनेगा, कौन सा शब्द लाइन पे बनना है, और कौन सा शब्द लाइन काट के बनेगा। ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो के माध्यम से मैंने इनमें स्वरों को लोप करके और उन शब्दों को अपने अपने स्थान पर बना करके आपको बताया है। इस प्रकार से इसकी आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको शॉर्ट हैंड लिखने में भी आसानी होगी और शॉर्ट हैंड की आपकी स्पीड भी बढ़ेगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन शब्दों को इस प्रकार से लिखेंगे तो आपको आगे कहीं भी शॉर्ट हैंड लिखने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप शब्दों को समझ पाएंगे, उनको ट्रांसलेट करने में भी आपको कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। यदि आपको शॉर्ट हैंड लिखने में कहीं कोई दिक्कत आ रही है, शॉर्ट हैंड की स्पीड नहीं बन पा रही है, आपकी गलतियाँ दिखा रही हैं, तो आप हमारी ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। चाहे आप अभी शॉर्ट हैंड सीख रहे हैं, यानी कि आप स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहे हैं या रिपोर्टर की, सभी के लिए हमारे यहाँ ऑनलाइन क्लासों की व्यवस्था है। ऑनलाइन क्लासेस सुबह शाम दोनों समय चलती है। मेरे द्वारा तैयार की गई एडवांस आउटलाइन की बुकों को परचेज कर सकते हैं। बुकों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। रामधारी गुप्ता फर्स्ट सेकेंड खंड को लिखने में यदि आपको कहीं कोई परेशानी आ रही है तो मैंने एडवांस आउटलाइनें तैयार की हैं, उनको परचेज कर सकते हैं। इन सभी के लिए आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके मुझसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, कैसे बुकों को परचेज करना है, कैसे ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करनी है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार से मैं आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।